दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से जीतकर मैन ऑफ द मैच बने हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन जाते जाते इस अवार्ड को रोहित के नाम कर इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कह दिया ना कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। दोस्तों, क्या बोले बुमराह रोहित कोहली पर, इनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, लेकिन जीता वही जो सबसे बड़ी टीम है। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत से एक पल ऐसा नहीं गया जब हमें लगा हो कि भारत ना जीत पाएगा। जैसे ही दोस्तों मुकाबला शुरू हुआ, आज तो रोहित की तकदीर भी उनका साथ दे रही थी। टॉस जीते जीतकर बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी चुनी, और गेंदबाजी में ऐसा ताबड़तोड़ सिलेक्शन किया ना गेंदबाजों का चुन चुन कर कि सबने पाकिस्तान की टीम को पटक कर रख दिया। दोस्तों, सिराज ने आते ही शुरुआती ओवर में हमें सबसे पहला विकेट शफीक के तौर पर दिलाया था, और दोस्तों उसके बाद किसी भी गेंदबाज ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हार्दिक पांड्या इमाम हुलक का विकेट ले गए, सिराज ने बाबर को क्लीन बोल्ड किया, बुमराह ने रिजवान के विकेट उड़ा दिए, तो कुलदीप यादव तो एक ही ओवर में दो दो विकेट ले गए शकील और इफ्तिकार अहमद को आउट कर। अब बाकियों के नाम और आंकड़े आपको क्या ही गिनाए, पाकिस्तान की टीम तो 191 पर ही ढेर हो गई। 50 ओवर छोड़िए 42 ओवर हमारे सामने नहीं टिक पाई। और दोस्तों, जब सामने 192 का टारगेट हो, अहमदाबाद की धरती हो, तो भारत को जीतने से कौन रोकेगा फला। रोहित शर्मा ने दहाड़ते शेर की तरह मैदान में पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, और उसके बाद बैक टू बैक चौके छक्के जड़ते हुए उन्होंने विकेट बचाने की परवाह ही नहीं करी। जानते थे कि आज उनके बल्ले से रन निकलेंगे, और 37 गेंदों के अंदर ये खिलाड़ी 3 चौके 4 छक्के जड़कर 51 रन बना चुका था। उधर दोस्तों, भले ही शुभमन गिल और कोहली 16-16 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन 14 रन पर श्रेयस अय्यर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। और जीतने के लिए ना अब हमें लगभग 35 से 36 ओवर में 93 रन चाहिए थे, जिसके बाद दोस्तों रोहित ने कोई भी रहम नहीं दिखाया और अपनी बल्लेबाजी से ऐसा वार किया ना फाइनल पाकिस्तान पर कि भारत इस मैच को सबसे ज्यादा बड़े अंतर से जीता है पिछले 7 साल में। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का सबसे बड़ा कारण रोहित की यह लगभग शतक जैसी पारी और भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी रही है। खैर दोस्तों, भारत जीत गया है और पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा है, लेकिन दोस्तों जीत के बाद असल मैन ऑफ द मैच मिला है जसप्रीत बुमराह को। जी हां, आपको बताएं दोस्तों कि बुमराह ने आज 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। शादाब खान को तो उन्होंने आउट किया ही था, साथ ही साथ 49 रन पर खेल रहे रिजवान को भी क्लीन बोल्ड करने वाले वही थे। और दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि 7 ओवर के अंदर बुमराह ने ना बस 19 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। 2.7 की उनकी इकोनॉमी थी, इसीलिए वो मैन ऑफ द मैच बने हैं। लेकिन दोस्तों, मैन ऑफ द मैच बनकर भी बुमराह ने ये अवार्ड है ना रोहित और कोहली के नाम समर्पित कर दिया, और कुछ ऐसा कहकर के करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। आपको बताया दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह ने इस जीत के बाद कहा, ये जीत वाकई में ऐतिहासिक है, मेरे पास शब्द नहीं है इस मोमेंट को बयान करने के लिए। पूरी भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मैच को जीतने के लिए कितनी रणनीतियां बनाई, कितनी दिन रात की मेहनत करी, ये मैं पिछले 1 महीने से देख रहा था, इसीलिए ये अवार्ड ये जीत हम सब खिलाड़ियों का बराबर है। और खास तौर पर यह अवार्ड तो मिलना चाहिए था रोहित भाई को, वो ज्यादा डिजर्विंग है। एक ऐसा कप्तान जो हर खिलाड़ी के साथ कप्तान नहीं बल्कि दोस्त की तरह बिहेव करता है। गेंदबाजी में तो रोहित और कोहली भाई ने मेरी मदद की ही, साथ ही बल्लेबाजी में आज जो उनकी 86 रन की इनिंग रही है ना, उसी के चलते हमारे ऊपर एक क्षण के लिए भी प्रेशर नहीं आया, और शायद वही कारण है जिसके चलते हम इस मैच को इतने शानदार तरीके से जीत भी पाए हैं। यह अवार्ड तो मैं पूरी तरीके से उन्हें समर्पित करता हूं, और मुझसे ज्यादा यह अवार्ड उनका है, साथ ही कोहली भाई का भी जो रोहित भाई की खूब मदद करते हैं और कप्तानी दोनों साथ मिलकर करते हैं। अब बस हमें फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने घर में रखनी है। दोस्तों, बुमराह के शब्द वाकई में दिल जीतने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि बुमराह ने ऐसी गेंदबाजी करी है कि पाकिस्तान को आईना दिखा डाला है। दोस्तों, वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 7 बार पाकिस्तान के खिलाफ जीतती आ रही भारतीय क्रिकेट टीम ने आज रोहित की कैप्टनसी में यह कारनामा 8वीं बार भी किया है, और सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से किया है। आपको बता दें कि मैदान जंग में आज केवल जंग तो भारत ही लड़ रहा था, पाकिस्तान तो बचना चाह रहा था, जो आते आते मैच के अंत में पूरी तरीके से पराजित हो गया। रोहित ने न सिर्फ दोस्तों टॉस जीता बल्कि कप्तानी ऐसी करी कि दिल भी जीता। आज आपको बता दें कि गेंदबाजी में सिलेक्शन रोहित शर्मा का बिल्कुल ऑन द टॉप था। उन्होंने सिराज पर भरोसा जताया, और सिराज ने सबसे पहले शफीक का विकेट दिलाया। पांड्या भी इमाम उलक को आउट कर गए, और मजा तब आया जब सिराज ने 50 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया बाबर को। हालांकि दोस्तों, बाबर 50 रन और रिजवान 49 रन बनाकर गए, लेकिन इससे पाकिस्तान की टीम ज्यादा दूर जा भी पाती या सोच भी पाती, तब तक हमारे गेंदबाज जैसे कि कुलदीप और बुमराह ने बैक टू बैक विकेट चटकाए,
और 191 पर हमने इस पाकिस्तान नाम की टीम को रोक कर रख दिया। 192 रन का टारगेट मिला, लेकिन मानो के रोहित शर्मा कसम खाकर आए थे कि भाई मैच जिताऊंगा तो अकेले जिताऊंगा। और दोस्तों वो वैसे खेले भी। पहली गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी को चौका जड़कर रोहित ने इंडिकेशन दे दिए थे वो क्या तूफान मैदान पर लेकर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों रोहित ने तो मानो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, चौके और छक्कों की बारिश करते चले गए। मात्र 53 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने 4 चौके 5 छक्के जड़कर 68 रन बना दिए थे। हाँ, इस बीच विराट कोहली और गिल 16-16 रन पर आउट हो गए, लेकिन वो भी 4 और 3 चौके लगाकर गए थे अपनी पारी में। एक दफा भी दोस्तों प्रेशर हमारे ऊपर आया नहीं, और आया तो रोहित ने टिकने दिया नहीं। उधर अय्यर को भी मौका मिला तो वो भी 2 चौके 1 छक्का जड़कर हाथ साफ कर रहे थे और 34 गेंद में 28 रन बना चुके थे। जीतने के लिए दोस्तों हमें 30 ओवर में 60 रन चाहिए थे। अब आप सोचिए, ये इस बार के वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत होने जा रही थी और पॉइंट्स टेबल में सबसे खतरनाक बदलाव भी, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर फिर रोहित शर्मा और अय्यर ने ऐसे ही ताबड़तोड़ पारी जारी रखी और विनिंग शॉट्स लगाकर भारत को जिताकर बड़े आराम से पवेलियन पहुंच गए और बन गए नंबर 1 इस बार के वर्ल्ड कप में। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा बने हैं, लेकिन अपना अवार्ड अपने पूर्व कप्तान अपने सहसाथी विराट कोहली को देकर रोहित ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों रोहित ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कोहली को देकर कहा, ये जीत वाकई में ऐतिहासिक है। पाकिस्तान की टीम जिनके साथ खेलने के लिए केवल हमें चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते बल्कि प्रेशर भी रहता है, और 1,00,000 भारतीय दर्शक हों तो जीतने का प्रेशर क्या होता है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारी टीम आज दुनिया में वाकई में सबसे बेहतर टीम है, और खास तौर पर गेंदबाजों की तारीफ बनती है जिस तरीके से उन्होंने इस बैटिंग पिच पर पाकिस्तान की टीम को रोका। सिराज ने बाबर को आउट किया, पांड्या ने शुरुआती दौर में विकेट दिलाए और बुमराह और कुलदीप ने भी बैक टू बैक विकेट्स निकाले। उसी के चलते ना हमें कम टारगेट मिला और हमारा कॉन्फिडेंस हाई था। लेकिन इस मैच में केवल मेरी बल्लेबाजी को जीत का श्रेय ना दीजिए, सबकी मेहनत के बल पर हम पाकिस्तान जैसी टीम को परास्त कर पाए हैं। और साथ ही साथ मैं इस अवार्ड को शेयर करना चाहूंगा विराट कोहली के साथ, क्योंकि शायद आपको कैमरे पर ना दिखा हो लेकिन कप्तानी में जितनी मदद उन्होंने मेरी करी है ना शायद ही किसी और खिलाड़ी ने की होगी। तो ये जीत हम दोनों कप्तान की है और मेरी पूरे भारत देश की भी। ये अवार्ड कोहली के साथ साथ पूरे देश को समर्पित है। उम्मीद है इस बार का वर्ल्ड कप भी हम ही जीतेंगे। दोस्तों रोहित की कप्तानी की मिसालें दी जा रही हैं पूरी दुनिया में, उन्हें जूनियर धोनी बताया जा रहा है, और जिस हिसाब से उन्होंने इंडिया को जिताया है ना, ये ट्रॉफी वर्ल्ड कप भी हमसे दूर नहीं। दोस्तों मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस मुकाबले का इंतजार पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को था। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के मुकाबले की जो आज खेला गया दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि ये मुकाबला इतना छोटा हो जाएगा कि मुकाबले के टाइमिंग के साथ साथ आप एक पिक्चर भी देख पाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान की ऐसी दशा करी, गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में ऐसे दौड़ाकर पीटा ना कि मानो गली क्रिकेट चल रहा हो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों का तेज इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान को तो हमारे गेंदबाजों ने ही लपेट कर रख दिया। आप नाम लीजिए, हर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या तो 20 या 30 रन पर आउट हुआ, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। मैक्सिमम बाबर के 50 रन देखने को मिले और रिजवान के 49 रन, लेकिन हमारे खिलाड़ियों में इतना लोहा भरा हुआ था गेंदबाजी में कि 50 ओवर तो छोड़िए, 42वें ओवर में पाकिस्तान को 191 पर ऑल आउट कर दिया और टारगेट लिया 192 रन का। दोस्तों इससे बड़े टारगेट तो इस मैदान पर आईपीएल में हमारे खिलाड़ियों ने चेस किए हैं, तो भला ये कौन सी बड़ी बात थी। ऊपर से रोहित और गिल की ताकतवर शुरुआत, रोहित और गिल ने दोस्तों जैसे ही बल्लेबाजी की शुरुआत करी आते ही बैक टू बैक चौके जड़े। पहली गेंद पर अफरीदी को चौका लगा था और फिर गिल भी बैक टू बैक 3 चौके जड़ गए, लेकिन गिल की पारी 216 रन पर सिमट कर रह गई 4 चौकों वाली। परंतु फिर जो रोहित ने तांडव मचाया, कोहली ने उनका साथ दिया, वह काबिले तारीफ था। दोस्तों कप्तान वही जो टीम के लिए मौके पर खड़ा रहे, बल्लेबाजी करे और कप्तानी का टीम को जिता दे। आज रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि आखिरकार क्यों उन्हें जूनियर MS धोनी कहा जाता है। प्रेशर पे माथे पर एक भी शिकर नहीं थी रोहित के, क्योंकि प्रेशर एक्चुअल में था ही नहीं, कप्तानी ऐसी थी। दोस्तों रोहित शर्मा ने आज वनडे को T20 बना डाला, यकीन नहीं तो ये आंकड़े सुनिए। देखिए पहली गेंद पर चौका तो रोहित ने जड़ा ही था, उसके बाद रोहित को कोई रोकने वाला था ही नहीं। गिल के आउट होने के बाद तो रोहित और आक्रामक हो गए, उसके बाद हसन अली को चौका जड़ा, शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में चौका जड़ा और फिर 7वें ओवर में उनको छक्का भी जड़कर एक चौका भी जड़ दिया। इतना ही नहीं अहमद नवाज को भी छक्का जड़ा और इस बीच बैक टू बैक कोहली भी चौके लगा रहे थे। दोस्तों रोहित की पारी इतनी तेज तर्रार थी
कि ये खिलाड़ी मात्र 30 गेंदों के अंदर ना 45 रन बना चुका था, 4 छक्के 3 चौके जड़कर। हालांकि विराट कोहली 16 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों 10 ओवर ही हुए थे और 80 रन बन चुके थे। जरा सोचिए, 40 ओवर में हमें 113 रन चाहिए थे और 3 का रिक्वायर्ड नेट रन रेट, यानी कि 240 गेंदों के अंदर 113 रन बनाने थे। अब तो कोई बुरा सपना या काला जादू ही हमें हरवा सकता था, जो होना नहीं था। और दोस्तों, रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या, केएल राहुल सभी खिलाड़ियों ने मिलकर बड़ी आसानी से भारत को इस मैच में इतने बड़े अंतर से जिताया है ना कि पॉइंट्स टेबल में नंबर वन टीम भी हिल गई है। और दोस्तों, जीत दर्ज करिए हमने वो 8-0 की जो हर किसी का सपना था। एक दशक के बाद दोस्तों पाकिस्तान भारत में आया और हमने कुछ इस तरीके से उनका स्वागत किया है। ये जीत सालों तक याद रखी जाएगी और रोहित शर्मा की शानदार पारी भी।